आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीका, बहुत ही ज्यादा पावरफुल वे बताने वाली हूँ, जिससे आप अपना जो भी वो डिजायर या विश है उसको बहुत ही जल्दी और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पाएंगे. ठीक है, बिकॉज इट्स रियली मैजिकल वे टू अट्रैक्ट एनीथिंग इनटू योर लाइफ. एंड वो है स्क्रिप्टिंग. मतलब कि क्या करना है ना, आपको वो जो भी विश है ना, पर्टिकुलर एक विश या मल्टीपल विश आप लिख सकते हो, उसको आपको है ना अपने किसी डायरी में, नोट में या किसी पेपर पर, मतलब आपको सिंपली उसको यू नो राइट डाउन कर देना है, लिख देना है. ठीक है. सी क्या होता है ना कि जब आप किसी भी चीज़ को लिख देते हो ना, लिखते हो ना पूरे इंटेंशन के साथ, एक एनर्जी डाल के, फीलिंग्स डाल के, देन एक आप वाइब्रेशन रिलीज करते यूनिवर्स में. वो जो विश के वाइब्रेशन है, मतलब वो जो एक एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, जो एक इंटेंशन है, वो आप यूनिवर्स में रिलीज करते हो. अब ये वाइब्रेशंस जब रिलीज होते हैं ना, तो क्या होता है ना कि वो रिफ्लेक्ट बैक होता है. ठीक है, तो उस तरह के इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज या ऐसे आप कोई इंस्पायर्ड एक्शंस लेंगे, कुछ भी ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो डिजायर मैनिफेस्ट होगा. तो सिंपली क्या करना है ना, आप एफर्मेशन के फॉर्म में या सिंपली यू नो जस्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिख देना है. ठीक है, जैसे कि आपको एक इंटेंशन के फॉर्म में, माय इंटेंशन इज टू मैनिफेस्ट माय ड्रीम जॉब इन एक्स वाई जेड कंपनी, या ऐसा कुछ भी. ठीक है, एंड द खास बात, मतलब जो स्पेशल बात है इसमें, वो ये है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. जितना स्पेसिफिक होंगे, जितना आप यू नो डीपली इस चीज़ के ऊपर आप सोचेंगे कि व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ इन एवरी एरिया, देन आपको और ज़्यादा यू नो उसमें इजी रहेगा लिखने के लिए. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप पार्टनर की अगर हम बात करें कि सोलमेट को मैनिफेस्ट करना है, तो आप लिखेंगे कि आई वॉन्ट समवन कि जो ऑनेस्ट हो, जो एजुकेटेड हो, या जो यू नो गुड लुकिंग हो, केयरिंग हो. ठीक है, इस तरह से. या सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो कि माय विशलिस्ट मैन. ठीक है, माय विशलिस्ट वुमन, और फिर आपको उसमें यू नो सारे क्वालिटीज लिख देनी है. ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकती हो कि आई ट्रूली बिलीव दैट आई एम मैनिफेस्टिंग माय यू नो सोलमेट, या माय ड्रीम मैन, या माय ड्रीम गर्ल, या माय ड्रीम जॉब. मतलब वो जो भी ड्रीम है आप उस ऐसे लिख सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चीज को मैनिफेस्ट कर रही हूँ. ठीक है, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरा इंटेंशन है कि मैं इस साल अपने यू नो ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करूंगी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है. मतलब यू नो इसमें पूरी पूरी जो बोलते हैं ना क्रिएटिविटी, वो सब आपकी होगी. जैसा आपको मन करे, जैसा आपको फील हो, नेचुरल एक तरीका होना चाहिए लिखने के लिए. इसमें कोई यू नो रट्टा वट्टा नहीं मारने का है कि भाई यही लाइन बोली है मैम ने तो मैं यही लिखूंगी. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिखिए, जो लिखना चाहते हैं, जिस तरह से आपको उसको यू नो स्पेसिफाई मतलब मेंशन करना है, कोट करना है, उस तरह से आप उसको करिए. ठीक है, उसमें अपनी फीलिंग्स, अपने वर्ड्स जितना आप डालेंगे, उतना आपको वो ज़्यादा इजी रहेगा उसको फील करने के लिए. यू नो इट शुड फील ट्रू टू योर सेल्फ. वो एक नेचुरल होना चाहिए, एक रियलिस्टिक एक परसेप्शन होना चाहिए आपका, और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होना चाहिए. तो जब भी आप किसी भी विश को या वो जो भी इंटेंशन या डिज़ायर होता है उसको आप लिखते हो ना, देन वो बहुत ही ज़्यादा यू नो मैजिकल वे है उसको मैनिफेस्ट करने का, उसको अट्रैक्ट करने का. तो मैंने आपको जैसे बताया, एफर्मेशन के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ या इंटेंशन के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. ठीक है, आई एम मैनिफेस्टिंग माय यू नो गुड हेल्थ, और आई एम बिकमिंग हेल्थियर डे बाय डे. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है, फ्यूचर में आपको नहीं लिखना है, फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करना है इसमें. ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्टिंग है, बेसिकली आप एफर्मेशन कर रहे हो. इसके अलावा अब मैं तीसरा ऑप्शन भी बता रही हूँ, जहाँ पे आप लाइक अ स्टोरी, मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हो. मतलब कि आप अपने अंदाज में लिख सकती हो कि इन दिस ईयर आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट माई ड्रीम कॉलेज, आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन दैट, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट आई एम गोना मैनिफेस्ट इट, एंड यूनिवर्स ऑलवेज हैज माई बैक. जो भी आपको लिखना है डिटेल में, ठीक है, आप लिख सकते हो. आप लिख सकते हो कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा यू नो ब्यूटीफुल होती जा रही है डे बाई डे,
एंड मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होती जा रही है, मुझे इस साल इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है और मैं मैनिफेस्ट करके रहूँगी या रहूँगा, मतलब यू नो मैं जैसा मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इवन आप भी अपनी एडवाइस, मतलब आप भी अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हो कॉमेंट में कि आप क्या लिखेंगे, तो आपकी स्क्रिप्टिंग में क्या होगा, या आप किसी को भी यू नो कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई बेटर टिप, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने डिज़ायर्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इट्स वेरी मैजिकल, बहुत पावरफुल वे है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। रोज़ आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, एक साथ मल्टीपल विशेस को आप लिख सकते हो, एफर्मेशन लिख सकते हो, ग्रेटिट्यूड एफर्मेशन लिख सकते हो, या सिंपली इंटेंशन के फॉर्म में लिख सकते हो कि मेरा ये इंटेंशन है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, रात को सोने से पहले लिख सकते हो, दिन में थ्रू आउट द डे कभी भी लिख सकते हो। सो बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है ये, उसमें ज़्यादा कुछ रूल्स भी नहीं है, जस्ट आपको पूरी फीलिंग्स के साथ एक खुशी से इस चीज़ को करना है, ठीक है। और जब भी मन करे आप करो, इट्स नॉट लाइक कि अभी आपको करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा। जब यू नो आप एक पॉजिटिव वाइब में एकदम ईजी फील करो, रिलैक्स हो, आपको बहुत ही अच्छा लाइट फील हो रहा है, उस वक्त आप स्क्रिप्टिंग करें, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि वो आप करें, ठीक है, तो आपको बिल्कुल वो हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ट्राई करिए, छोटी छोटी चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अपने फीलिंग्स को, अपनी विशेस को इस तरह से लिखिए यूनिवर्स को, ये चीज़ बताने का बहुत ही बेस्ट वे है, ठीक है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।